नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पथौरिया। छत्तीसगढ़ में मानसून के सामान्य रहने की जो बात कही जा रही थी, लेकिन हकीकत में स्थिति काफी चिंताजनक हो गई है। मालूम हो कि छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में औसत से काफी कम बारिश हुई। औसतन से आपको बता दें कि 75% तक कम बारिश हुई है, जिससे लोग गर्मी और उमस से हलाकान है। तापमान में भी तेजी से वृद्धि देखी गई और राज्य के लगभग 70 से 75 तहसील सूखे के हालात से जूझ रहे हैं। जिस तरह से सावन के महीने में मौसम रूठा हुआ है, उससे सबसे ज्यादा परेशानी प्रदेश के किसानों को हो रही है। अगर इस पखवाड़े में इन बारिश वाले जिलों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो सूखे का खतरा भी मंडरा सकता है। हालांकि पिछले हफ्ते कुछ इलाकों में जरूर बारिश हुई, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून ब्रेक की वजह से बारिश पूरी तरह से थमी हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अच्छी बारिश 25 जुलाई के बाद होने की संभावना जताई है। एनएस मेहता की माने तो बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन रहा है। इस सिस्टम का असर छत्तीसगढ़ में होगा और इसकी वजह से 25 जुलाई के बाद मानसून एक बार फिर से पूरी तरह से प्रदेश में सक्रिय होगा। इधर बारिश नहीं होने के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक एक करके धान के पौधे धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। बारिश न होने के कारण अब तो खेतों में दरारें तक दिखने लगी हैं। अब तक खेती का 75% काम हो जाना चाहिए था, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण कुछ भी नहीं हो सका है। तो मानसून इतना एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी जैसे आधे डिस्ट्रिक्ट जो मतलब 27 में से 17-18 जो है ये डिस्ट्रिक्ट डिफिशियंट में है, कम है वर्षा, और ये खासतौर से सेंट्रल छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। और अभी 25 से तो ये संभावित एक सिस्टम भी बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, उसके कारण जो 25-26 से मानसून सक्रिय हो जाएगा और छत्तीसगढ़ को और ये मध्य छत्तीसगढ़ को भी अच्छी संभावना है, वर्षा की संभावना है। 25-26 से लगातार अपने को वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में सावन में भी मानसून रूठा हुआ है, इससे लेकर खेती किसानी में क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पारसनाथ किसान जी हैं, उनसे जानते हैं। पारस जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी सावन का माह है, इस दौरान खेती किसानी में पानी नहीं मिलने से कितना प्रभाव पड़ेगा? वर्षा का प्रभाव खेती पर पड़ चुका है। आज के दिन में 25% फसल नष्ट हो गया है पूरी तरीके से, और अगर तत्काल भी पानी गिरना चालू हो जाए तो भी 25% की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई होना मुश्किल है। और अगर यही स्थिति रहा तो पूरा फसल बर्बाद होने से बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि आज ट्यूबवेल भी बंद होने की कगार पर है, बांधों से पानी नहीं मिल रहा है और काफी दयनीय स्थिति निर्मित होने वाली है। जैसे कहा जाता है कि अभी का फसल वर्षा पे निर्भर रहता है, क्योंकि जो है जिनके पास ट्यूबवेल है और जिनके पास अभी भी साधन है पानी के, क्या उसका फायदा मिलेगा? एक बार रिपीट करेंगे, जैसे कि ये अभी का जो फसल होता है वर्षा पे आधारित कहा जाता है, लेकिन अन्य साधनों से जो पानी मिलता है उसका कितना असर रहेगा? नहीं, अगर वर्तमान यही स्थिति रहा तो ट्यूबवेल भी फसल को बचाने में अक्षम साबित होगा। आप सरकार की ओर से क्या आस करते हैं, क्योंकि प्रदेश सूखे के कगार में है, उनको क्या किस तरह से एक्शन लेना चाहिए? ये तो प्राकृतिक आपदा है, सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है, किंतु ये वर्षा बिना फसल होना बहुत मुश्किल है। हाँ, भविष्य में जो संकट है उससे उबरने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाकर आगामी संकट है उसे बचा जा सकता है। इस बारे में मेरा मत है कि अभी लंबे समय तक, अभी हम लोग पूर्व में सरकार थी, उसने सिंचाई पर बहुत कुछ ध्यान नहीं दिया। अभी जो पहली हाई डैम से गंगरेल बांध को जोड़ने का जो एक प्रस्ताव काफी दिनों से लंबित पड़ा हुआ है, अगर उसको सरकार पूर्ण कर लेती है तो सिंचाई का रकबा काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। उसी तरह अन्य बांधों में जल संग्रहण क्षमता बढ़ाई जा सकती है, जगह जगह छोटे छोटे स्टाफ डैम बना करके अपना वाटर रिचार्ज बढ़ाया जा सकता है, और
तभी हम पेयजल संकट और खाद्यान्न संकट से बच सकते हैं, अन्यथा विशेषज्ञों ने तो घोषित कर दिया है कि अगला समय जो होगा पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरसेंगे, पानी के लिए युद्ध होगा और ये परिलक्षित हो रहा है। अल्प वर्षा का संकट हमारे सामने है, लेकिन इस अल्प वर्षा की वजह से खेती किसानी का कौन कौन सा कार्य रुका है जो इस समय तक हो जाना था सावन तक? अभी तो हम न खाद डाल पा रहे हैं, न दवाई डाल पा रहे हैं, न हम निंदाई कर पा रहे हैं, न ब्यासी कर पा रहे हैं, न रोपा कर पा रहे हैं। और जो नर्सरी में रोपा लगा है पानी के अभाव में वो भी उसका उम्र ज्यादा हो गया है, साधारणतः 21 दिन में हमारी रोपाई चालू, थरहा लगाने के पश्चात 21 दिन में रोपाई चालू हो जानी चाहिए, आज वो भी काफी लेट हो गया है, उसका भी उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो अभी आपने किसान को सुना जिनका कहना है कि अल्प वर्षा से अभी तक 25% लगभग खेती प्रभावित हो चुकी है, अगर समय रहते वर्षा नहीं हुई तो इससे और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और प्रदेश सूखे के कगार में आ जाएगा। कैमरामैन अखिलेश के साथ सत्यराजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रायपुर स्टूडियो में पारसनाथ साहू जो किसान नेता हैं, और कुणाल शुक्ला जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और गजेंद्र चंद्राकर हैं जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं। आप तीनों लोगों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा गजेंद्र जी, एक कृषि वैज्ञानिक हैं आप, लेकिन जिस तरह से बारिश इस समय औसतन होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है, और जिस तरह से बुवानी हो गई है या फसल में दरारें जो खेत है उनमें पड़ गई है या धान के जो पौधे हैं वो सूखने की कगार पर आ गए हैं, माना कि चलो ठीक है अभी मौसम लेट हो गया, लेकिन जिस पर बताया जा रहा है कि 25 तारीख के बाद हो सकता है कि दस्तक मानसून की हो जाए और अच्छी बारिश हो, क्या इससे जो समय बीत गया है इससे फसल पर क्या नुकसान हो सकता है? देखिए कि अभी जो मानसून की स्थिति जो बनी हुई है यह चिंताजनक है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरी उम्मीद पूरी खत्म हो गई है, पूरी स्थिति अभी फसल चौपट होने की स्थिति में ऐसा नहीं है। जहां तक बुआई का प्रश्न है, लगभग 80% बुआई का कार्य पूर्ण हो चुका है, और इस साल वर्षा के साथ ये हुआ कि मानसून 19 दिन बाद आया है, ठीक है, और पिछले 5 साल से लगातार मानसून की अवधि बढ़ती जा रही है, मानसून ब्रेक होने का समय बढ़ते जा रहा है, ये हमारे लिए एक चिंताजनक विषय है और एक अल्टरनेट प्लान भी करने की आवश्यकता है इसमें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि आपने कहा कि माननीय पारसनाथ जी ने कहा पाई का कार्य रुक चुका है, बियासी का कार्य रुक चुका है, ये बात पूर्णतः सत्य है, पर कहीं कहीं पर ये बारिश जो है अभी गण फुलझर में, दुधावा में और बसना के पदम क्षेत्र में अभी 1-1 घंटे बारिश हुई, तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे रूप में बारिश हो रही है और फसल पूर्णतः खत्म होने की स्थिति पे नहीं है। पर ये वैज्ञानिक दृष्टि से 15 अगस्त तक यदि रोपा और ब्यासी का कार्य पूर्ण हो जाता है तो उत्पादन में प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है, ठीक है, पर यह बात सत्य है कि जैसे जैसे विलंब होते जाएगा तो हमारे उत्पादन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए कुछ अल्टरनेट प्लान कर सकते हैं जिसमें सरकार के समक्ष इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने कंटिंजेंसी प्लान यहाँ पे दिया है कि जो भर्री वाला क्षेत्र है वहां पर मक्का, तिल और दलहनी फसल को लिए हमको विकल्प के रूप में तैयार रहना चाहिए, और जो धनहा खेत है वहां पर यदि हम मादा से यदि हम मक्के की बुआई करते हैं तो ऐसा करके जो नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए सरकार अपना अल्टरनेट प्लान बनाई है, वो भी किसानों के जो कि सामने जो विपरीत स्थिति उसको लेकर चिंतित है, और जो कम अवधि वाली धान की किस्में है जो 100 से 110 दिन की किस्में है जैसे इंदिरा बारानी धान है, ऐसा वैकल्पिक कृषि के तरफ हमको मौसम की विपरीत स्थिति से निपटने के लिए, इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हमको किसानों के समक्ष इस चुनौती का सामना करने के लिए इस तकनीक के माध्यम से हम उसका सामना कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर मौसम को नहीं बदला जा सकता लेकिन हाँ हम अपनी जो किस्म है बीज की उसको बदलकर उसकी भरपाई कर सकते हैं। जिस तरीके से पारसनाथ साहू जी आपने कहा कि सरकार बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार के हाथ में बहुत कुछ है और अब तक जो हालात रहे, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती है तो नदी नाले डैम सब एकदम सूख जाते हैं और हालात ऐसे हो जाते हैं भयावह, तो जिस तरीके से देखें भविष्य को लेकर सरकार अभी हालांकि ठीक है नहीं कर सकती है, लेकिन अगर भविष्य को लेकर अभी से सजग होती है तो ऐसे कुछ इंतजाम किए जा सकते हैं जिससे ऐसी स्थिति हालांकि उत्पन्न ना हो।
प्रश्न साहब जी। हाँ, मेरे प्रश्न किए हैं जी। हाँ हाँ, आपने जैसे जिक्र किया कि सरकार के सरकार को तो काफी गंभीरता से। जी जी बोलिए। ठीक है, आज को वर्षों से जो हाय तौबा मची हुई है, ये तो एक साल तक संभाल लेंगे अनाज के लिए भी, पेयजल के लिए, किंतु भविष्य में अगर इसी तरह जलवायु ने या मौसम ने धोखा दिया तो महाविकट की स्थिति आ जाएगी। तो अभी स्थानीय अपने जल है या स्थानीय अपने संसाधन के माध्यम से राहत तो पहुंचाया जा सकता है, किंतु भविष्य के बड़े संकट से बचने के लिए अभी से प्रयास करना चाहिए। जैसे मैं पूर्व में सुझाव दिया था कि आज गंगरेल बांध में महासमुंद है, नवापारा है, रायपुर है और सभी शहर, यहाँ तक कि भिलाई स्टील प्लांट पूरा पेयजल यानी स्तरी के नाम से वहाँ सप्लाई किया जा रहा है। और जबकि यह बांध पूरी तरीका किसानों के लिए बना था, अगर सब पानी उधर ही खत्म हो गया तो हमारे किस हो जाएंगे। अगर बांधों की क्षमता विशेषकर गंगरेल बांध की जल क्षमता नहीं बढ़ाई, अगर बढ़ाया जाता है तो पेयजल और निस्तारी और सिंचाई सबके लिए काम आएगा। तो इस प्रकार दूरदर्शन के इस प्रकार की समस्याओं से निपटा जा सकता है। बिल्कुल कुणाल शुक्ला जी, जिस तरह से देखें हालात जो हैं, कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा भी कहा जाता है। जाहिर सी बात है कि वहां पर धान होता है तो पानी भी अधिक लगता होगा। इस सरकार को सोचने की जरूरत नहीं, ना ही किसानों को, सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के हालात बन जाते हैं। कुदरत है, कुदरत का कुछ भरोसा नहीं है। आज पानी बरसा, हो सकता है कि कल बिल्कुल सूखा पड़ जाए, लेकिन यहाँ पर सरकार को सहूलियत के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार ऐसा करना चाहिए कि मालूम है कि पानी ज्यादा लगता है, उस हिसाब से डैम बनाने चाहिए या फिर पानी की ऐसी उचित व्यवस्था करना चाहिए जिससे किसान, अभी जैसे कि बारिश थोड़ा सा लेट जरूर हो गई है तो जिसकी वजह से उनके माथे पर चिंता की लकीर खिंचाइए, वो ना खिंचाइए। देखिए, साफ तौर पर पूरे मसले पूरे मामले को सरकार की दूरदर्शिता की कमी के रूप में देख रहा हूँ। पारसनाथ जी या चंद्राकर जी, जिस गंगरेल डैम की बात कर रहे हैं, उसका निर्माण 1967 में किया गया था। उसके बाद से छत्तीसगढ़ में कोई भी बड़ा बांध नहीं बनाया जाता है। यहाँ तक इन 15-20 सालों में जो छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाए जाते हैं वह सूखे नदी नालों में बना दिए जाते हैं, जिस पर कैग बड़े पैमाने पर आपत्ति लेता है। मैं खास तौर पर यहाँ पे दो बातों का जिक्र प्रमुखता से करना चाहूंगा। पहली बात मैं ऑस्ट्रेलिया की करूंगा। ऑस्ट्रेलिया का जो मौसम विज्ञान विभाग है, इस साल 2019 को अल नीनो प्रभाव के रूप में देख रहा है। उसका साफ तौर से कहना है कि भारत के लिए बुरी खबर है, भारत में अल नीनो प्रभाव के कारण वर्षा इस बार नहीं होगी। तो साफ तौर से जो हम स्कूलों में जो पढ़ा करते थे कि भारतीय कृषि पूर्णतः मानसून, वह आज भी सिद्ध हो गया। सरकार की दुर्दशिता का ही परिणाम है कि किसान हलकान है, किसान परेशान है और उसके खेत सूख रहे हैं, मवेशियों को पीने के लिए पानी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग भी इसका एक बहुत बड़ा कारण, जिसके कारण छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा भारत इफेक्ट रहा है। ध्रुवों की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, महासागरों का स्तर बढ़ रहा है। खासतौर से अगर आप देखेंगे कि जो थार मरुस्थल है भारत का, 7000 साल पहले की अगर हम बात करें तो वह हरा भरा एक जंगल हुआ करता था और आज पूर्णतः वह हिस्सा जो है मरुस्थल में तब्दील हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अमेरिकी वैज्ञानिकों का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। अभी आते आते मैं उनकी रिपोर्ट देख रहा था, पढ़ रहा था। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 1970 से लेकर जो 2019 तक का विश्लेषण किया मानसून का, तो अगर आप देखेंगे तो केरल में पहले मानसून जुलाई के ठीक पहले हिट किया करता, परंतु अब भारत में मानसून हिट नहीं कर रहा है। यह सबसे बड़ी चिंता की बात है। केरल नहीं होके मानसून जो है उसके आगे ही निकल जाता है। यही मानसून केरल में हिट करने के बाद राजस्थान और पूरे उत्तर भारत में छाया करता था और भारी वर्षा लाया करता था। तो मानसून की एक समस्या अब भारत को देखने में मिल रही है। अब इसका दुष्परिणाम क्या होगा देखना पड़ेगा। जैसा कि पारसनाथ जी भी बता रहे हैं, जैसा कि चंद्राकर जी भी बता रहे हैं, जल स्तर बड़े पैमाने पे सूख रहा है। प्रति वर्ष जो है जो हमारा वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है, पानी गिर नहीं रहा है। अब होगा क्या, 60 करोड़ भारतीयों को पानी अब आने वाले 2030 तक उपलब्ध, बहुत बड़े खतरे की घंटी है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य की मैं बात करूं, राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पे पेड़ इन 15-20 सालों में काटे जाते हैं, परंतु पेड़ लगाने की खाद पूर्ति पर्यावरण दिवस के दिन सिर्फ हो जाती है, उसके आगे हम कुछ भी नहीं सोचते हैं। विकास का जो हमने रास्ता चुना है वह अंततः
में जाके विनाश में जाकर खत्म होता है। बड़े बड़े पहाड़ छत्तीसगढ़ में हुआ करते थे वो माइनिंग के लिए, उनको इस कारण भी यहाँ पे वर्षा नहीं हो रही है। तो देखिए अभी आप नहीं चेते तो अब आगे आपका भविष्य पूर्णतः अंधकार में है। आपको दूरदर्शिता दिखाते हुए बड़े डैम बनाना पड़ेगा सरकार को, बड़ी झीलों का निर्माण करना पड़ेगा सरकार को, जल संरक्षण को लेकर सजगता जागरूकता लानी पड़ेगी और एक एक छत्तीसगढ़ के नागरिक को इसमें आज ही से जुटना पड़ेगा, तभी आपका बेहतर भविष्य हो पाएगा, नहीं तो भविष्य बेहद अंधकार में मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस तरह से जिस तरह से वातावरण में बदलाव आ रहा है और उसका भयावह रूप कई बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवी में भी देखने को मिला है कि पृथ्वी छोड़कर आखिर इंसानों को जाकर अंतरिक्ष में जगह लेनी पड़ रही है, दूसरे ग्रह तलाश करना पड़ रहा है, तो हालात कुछ ना कुछ वैसे ही बनते जा रहे हैं पर धीमी गति से ही सही। बिल्कुल गजेंद्र जी, जिस तरह से देखा जाए हालात जो बने हुए हैं, सरकार ये कोई पहली सरकार नहीं, इससे पहले भी बहुत सरकारें आई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया और ये सरकार से जो उम्मीद लगाई जा रही है वो देखने वाली बात होगी, इन 5 सालों में वो भी देख लेंगे कितने डैम बनते हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम में परिवर्तन आ रहा है उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता और लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो जाहिर है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है, समय का चक्र बढ़ रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव आ रहा है, तो ऐसे में क्या हमें खेती के जो करने की प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि अभी आपने बताया है कि हमें ऐसी किस्म का बीज लगाना चाहिए जो कम अवधि में ही बन जाता है पौधा, तो क्या ऐसे ही या समय जो चक्र है कि रबी की जो फसल है वो इस समय आएगी और उसके बाद जो एक चक्र है फसलों का उसमें बदलाव करना पड़ेगा या फिर जो फसल करने की प्रक्रिया है उसमें बदलाव करना पड़ेगा समय के साथ? देखिए निश्चित तौर पे कुणाल जी ने जो बात कही उस पे कि जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बढ़ रहा है इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है खेती में, और उसमें जो फसल की अवधि है या अधिक पानी चाहने वाली फसल है उन फसलों पर खतरा है। जैसे कि हम गन्ने का रकबा हमको कम करना चाहिए, धान का रकबा कम करना चाहिए और हमको धान का उन किस्मों की तरफ जाना चाहिए जो कम पानी चाहने वाली किस्में हैं, जो सूखे निरोधक क्षमता जिसमें ज्यादा है। अभी जो अमेरिकन साइंटिस्ट की जो बात बोल रहे थे वहां के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, फ्यूचर क्रॉप जिसको कहा गया है वो कम पानी चाहने वाली फसल में कोदो कुटकी को इसको फ्यूचर क्रॉप कहा गया है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए ऐसी किस्में या ऐसी फसलें हैं जिसमें वो क्षमता है जो प्राकृतिक रूप से ऐसे विपरीत स्थिति से वो अपने उत्पादन को दे सकती है, ऐसी किस्में छत्तीसगढ़ में हमारे पास बहुत ऐसी किस्में हैं। तो अभी आप देखेंगे कि पखांजूर का बेल्ट जो है सबसे बड़ा मक्का उत्पादन का हब बन चुका है, पर वहां पर सुनिश्चित सिंचाई बहुत कम है। तो ऐसे अल्टरनेट क्रॉप को लेकर, अल्टरनेट प्लानिंग लेकर हमको कंटिंजेंसी प्लान के तहत हमको करना पड़ेगा। निश्चित जगहों पे ग्रीष्मकालीन धान का एरिया हमको कम करना, लगभग बंद करना चाहिए, तब हम जो है ग्राउंड वाटर टेबल जो है हमारा ठीक होगी स्थिति। और जो गन्ना का रकबा जो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है वो गन्ना का रकबा हमको उसको कम करना चाहिए, और वहां पर सूखा निरोधक किस्में जो दो क्रॉप नहीं तीन क्रॉप की संभावना बन सकती है, ऐसी किस्मों को और ऐसे फसलों को हमको वहां पर प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे जल संरक्षण भी होगा। और हमारे पास जैसे कि हॉर्टिकल्चर में ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है, ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर को हमको प्रमोट करना होगा, जैसे कि बेर है, सीताफल है, ऐसी किस्में कम पानी में ये हमारी उद्यानिकी की फसलें बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ऐसे फसलों का रकबा भी बढ़ेगा तो प्लांटेशन भी बढ़ेगा और किसानों को उससे आय सुनिश्चित हो सकेगी। बिल्कुल शुक्ला जी, जिस तरह से चंद्राकर जी ने बताया है कि हाँ हमें परिवर्तन करना बेहद जरूरी हो गया है, अब परिवर्तन करना ही पड़ेगा, अगर किसानों को नुकसान होने से खुद को बचाना है तो जाहिर है कि फसल में कुछ फेरबदल करना पड़ेगा, ये तो अच्छी बात है। और जो उन्होंने जो अवधि बताया है बीज की उसमें बदलाव करना पड़ेगा वो भी ठीक है, मान लीजिए बदलाव कर दिया, 90 दिन की कोई फसल है जो उगाती है और पक के तैयार हो जाती है ये बीज तैयार कर लेते हैं, लेकिन भविष्य में ये और सिमटेगा, जो दायरा है मानसून का और सिमटेगा, तो ऐसे में क्या हम फिर ऐसी फसल लेके आएंगे जो 60 दिन में हो जाए या 30 दिन में? क्योंकि ये एक सॉल्यूशन नहीं है, ये बिल्कुल बता दिया कि ये सॉल्यूशन है कि किसान अपने आप को बचा सकता है इस प्राकृतिक आपदा से।
देखिए बिल्कुल मैं इसको सॉल्यूशन नहीं मानता और ये स्थायी हल भी नहीं है। चंद्राकर जी बेर की बात कर रहे हैं परंतु बेर हमारा प्रमुख खाद्यान्न नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो चावल हम लोग खाते हैं चावल की ही मान्यता एक खाद्यान्न के रूप में छत्तीसगढ़ में सर्वमान है, ऊपर से बस्तर से लेकर अंबिकापुर सरगुजा तक। तो देखिए स्थायी हल मैं इसको कदापि नहीं मानता कि अब आप फसलों का जो है चक्र बदल दीजिए, दूसरी फसलें आप लगाने लग जाइए। रायपुर की देखिए मैं बात आपको यहाँ पे विशेष रूप से उल्लेखित करना चाहूंगा, आरटीआई से निकाले दस्तावेज हमारे पास है, राजधानी रायपुर में ही 350 तालाब हुआ करते थे जिनमें से 100 तालाबों को पाट कर जो है वहां पे कॉम्प्लेक्स बना दिए जाते हैं वहां पे। इस तरह से हमने खुद ही अपने नदी तालाब नहरें खत्म करी है। राजधानी रायपुर के बीच से नहरें बहा करती थी, नहरें जो है राजधानी रायपुर का जल स्तर बढ़ा सकती थी, उन नहरों को हमने पाट कर वहां पे जो है सड़कें बना दी। तो देखिए बहुत ही दुखदायी स्थिति है, दूरदर्शन से कमी मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। तो बड़ी झीलों का निर्माण करना एक तो पहली प्राथमिकता इस सरकार की होना चाहिए और एक ना एक गंगरेल की बात देखिए बहुत होगी। आज तक चंद्राकर जी और पवन जी जो है गंगरेल की बातें कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में तत्काल ही एक बड़े बांध का निर्माण से कि हम अपनी इस समस्या का स्थायी निदान कर सके, नहीं तो आगे फिर भविष्य बेहद अंधकारमय ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। तो पारसनाथ साहु जी क्या आने वाले समय में हालात ऐसे ही रहे, सरकार की जो मानसिक स्थिति जिस तरह सरकार कार्य कर रही है या पिछली सरकार कार्य करके गई है वही रहती है, तो क्या जो धान का कटोरा कहा जाने वाले छत्तीसगढ़ कटोरा कहा जाएगा सिर्फ, क्योंकि धान इसमें नहीं होगा? फिर हम लोग तो किसान उम्मीदों पर जीते हैं और इस सरकार से काफी उम्मीद है कि पूर्व सरकार की तरह अपने गलती को न दोहराए और शुद्ध किसान ही तैसी होने का परिचय देते हुए मेरा मांग है कि अभी मौसम विभाग ने भी संभावना व्यक्त किया है कि 25-26 को पानी गिरने की संभावना है, तो इनको ध्यान रखते हुए तत्काल जितने बांध में पानी है उसे नहरों में नालों में नदियों में छोड़ा जाए, उसे वाटर रिचार्ज भी होगा और रोपा ब्यासी का कार्य जो रुका हुआ है वो भी समय पर पूरा होगा और काफी राहत मिलेगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि इससे थोड़ी सी राहत जरूर किसानों को मिलेगी और मुझे उम्मीद है और ऐसी उम्मीद कर भी सकते हैं कि जल्द ही बारिश छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में हो जिससे कि किसान की चिंता की लकीरें हैं वो जरूर मिट सकें। चलिए आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो हालात, छत्तीसगढ़ के ही नहीं पूरे भारत की बात करें तो बहुत जगह ऐसे हालात बने हुए हैं जहां पर पानी न बरसने की वजह से, सही से मानसून न पहुंचने की वजह से किसानों के चेहरे पर अब पसीना छूट रहा है क्योंकि उनकी फसल जिस तरह से सूखने लगी है क्योंकि मौसम जो है उसमें बदलाव आ रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, लेकिन मौसम जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा है कि 25 तारीख तक मानसून दस्तक दे देगा जो कि किसानों के लिए बेहद खुशखबरी है। मुझे दीजिए इजाजत, इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।